नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमर छत्तीसगढ़ के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात कोरबा की, जहां पर भाषण के दौरान मंच गिर गया। कैबिनेट मंत्री लखन लाल देवांगन मंच पर मौजूद थे। लखन लाल देवांगन भाषण दे रहे थे, क्षमता से अधिक लोग मंच पर मौजूद थे। मंत्री को लड्डू से तोला गया, जगह जगह लोग मंत्री का स्वागत कर रहे थे। तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, मंच किस तरह आखिर टूटा है। दरअसल बताया जा रहा है कि बहुत ज्यादा वजन हो गया था, बहुत सारे ज्यादा लोग जो थे मंच पर चढ़ गए थे और उसी दौरान ये बड़ा हादसा हो गया। कोरबा की तस्वीरें, अचानक से जो है मंच गिर गया। कैबिनेट मंत्री लखन लाल देवांगन मंच पर मौजूद थे और भाषण दे रहे थे, क्षमता से अधिक लोग मंच पर सवार थे। दरअसल मंत्री को लड्डू से तोला जा रहा था, जगह जगह लोग जो है मंत्री का स्वागत कर रहे थे। उसी बीच अचानक से मंच गिरा और सभी धड़ाम से नीचे जा गिरे। ये तस्वीर आपके सामने कोरबा की। पहले मंत्री को लड्डू से तोला गया और उसके बाद जगह जगह लोग स्वागत करते रहे, साथ ही साथ उसके बाद भाषण के दौरान ये मंच गिर गया। नारायणपुर में नक्सली गिरफ्तार हुआ है, हत्या का ये आरोपी है। नक्सली गिरफ्तार बीजेपी नेता कोमल मांझी की हत्या में ये आरोपी है। 9 दिसंबर को घटना को अंजाम दिया गया था। तार भाटा पारा से सुरक्षा बलों ने पकड़ा है। थाना छोटे डोंगर क्षेत्र का ये पूरा मामला इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। नक्सली की गिरफ्तारी, लंबे वक्त से इसकी तलाश थी और अब तलाश जाकर के पूरी हुई है, गिरफ्तारी इसकी हुई है। बता दें बीजेपी नेता की हत्या में भी ये शामिल था और इसकी तलाश लगातार की जा रही थी। अब जाकर के गिरफ्तारी इस नक्सली की हुई है, लंबे वक्त से इसकी तलाश थी, कई सारे मामलों में संदिग्ध है और लंबे वक्त से इसकी तलाश की जा रही थी, अब जाकर के गिरफ्तारी इस नक्सली की हुई है। और अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बीजापुर की, जहां पर माओवादी के भतीजे की हत्या हुई है। छोटू कुरसम की गला रेत कर हत्या कर दी गई, शव को गोरना मार्ग पर फेंका गया। मृतक छोटू कुरसम नक्सल संगठन में सक्रिय था, परिचित को एम्बुलेंस से गांव ले जा रहा था। एम्बुलेंस रोककर छोटू को साथ ले गए थे आरोपी। मृतक नक्सल संगठन में सक्रिय था जिसकी मृत्यु हुई है। छोटू को अपने साथ ये आरोपी ले गए थे और वारदात को अंजाम दिया। बीजापुर की हम इस वक्त बात कर रहे हैं, जहां पर नक्सली के भतीजे की हत्या कर दी गई, जो सक्रिय भी था। छोटू कुरसम की गला रेत कर हत्या कर दी गई, शव को गोरना मार्ग पर फेंक दिया गया। और चलिए अब दिल्ली से बड़ी खबर की हम बात कर लेते हैं। बीजेपी मुख्यालय पहुंचे हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव, संगठन महामंत्री बीएस संतोष से मुलाकात जारी है। मंत्रिमंडल के साथ ही कई मुद्दों पर चर्चा होनी है। बता दें आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव का दिल्ली का दौरा है, बेहद ही खास ये दौरा, चूंकि मंत्रिमंडल का विस्तार होना है और लगातार चर्चाएं बैठकें हो रही हैं। आज फिर से जो है मोहन यादव पहुंचे हैं दिल्ली, हफ्ते में ये तीसरी बार उनका दौरा है, तीसरी बार ये बैठकें हो रही हैं जब वो पहुंचे हैं दिल्ली, और मंत्रिमंडल को लेकर के लगातार चर्चाएं चल रही हैं, मंथन हो रहा है। और इसी बीच आज फिर से उनका दिल्ली दौरा बेहद ही खास माना जा सकता है। ज्यादा जानकारी के लिए विनीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनीत, डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं दिल्ली, हफ्ते भर में तीसरा ये दौरा हम मान सकते हैं, आखिर किस तरह से देखें, क्या अभी पेच फंसा हुआ है?
जी निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो लगातार मंथन है वो मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर के लगातार मंथन चल रहा है और कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के अभी भी पेच फंसा हुआ और इसी कारण मोहन यादव जो है वो आज कल रात जो है वो दिल्ली पहुंचे और उसके बाद बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ लगातार मुलाकात का सिलसिला जो है वो उनका जारी है। आज सुबह अभी जो है वो बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष के साथ मुलाकात कर रहे हैं। यह मुलाकात बीजेपी राष्ट्रीय कार्यालय विस्तार में हो रही है और निश्चित तौर पर इस मुलाकात में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के चर्चा होगी। साफ तौर पर जिस तरह से अगर हम देखें कि पूरी तरह से एक नई जनरेशन बीजेपी में तैयार करने की कोशिश जो है वो की जा रही है और साफ तौर पर जो नए लोग हैं कई लोगों को जैसा कि हमने छत्तीसगढ़ में भी देखा कि कई नए लोगों को फर्स्ट टाइमर को जिस तरह से मौका मिला तो वहां पर भी कि जिस तरह से वो फर्स्ट टाइमर को मौका मिलेगा। साथ ही साथ हमने देखा कि छत्तीसगढ़ में बृजमोहन अग्रवाल जैसे लोग या फिर केदार कश्यप जैसे लोग जो पुराने लोग हैं उन्हें भी मौका मिला है तो किस तरह से पुराने और नए में समन्वय में बिठाया जाए इसको लेकर के चर्चा होगी। एक बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब शिवराज सिंह चौहान आए थे और उन्होंने उस वक्त मीडिया से बात की थी उनका साफ तौर पर कहना था कि उन्होंने जब बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ मुलाकात की थी तो उसमें उन्होंने मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के भी चर्चा की थी। तो साफ तौर पर शिवराज सिंह चौहान या फिर जो कई अनेक खेमे हैं वो भी चाहते हैं कि अधिक से अधिक उनके समर्थक जो है वो मंत्रिमंडल में शामिल हो। इसके साथ ही साथ जिस तरह से हम देख रहे हैं बीजेपी की नई कवायद है उसमें नए चेहरे को भी जोड़ने की कोशिश जो है वो की जा रही है तो इसी को लेकर के जो है चर्चा जो है वो भी जो राष्ट्रीय महामंत्री है बीएल संतोष उनके साथ हो रही है और आला नेताओं से मुलाकात मुख्यमंत्री करेंगे और ऐसी संभावना है कि जो है मंत्रिमंडल की सूची को अंतिम रूप दिया जाएगा आज। पर इसके अलावा एक खास बात यह भी है कि आज खास बैठक भी हम मान सकते हैं कि लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक होगी। जी अगर हम देखिए इस तरह की जो बैठक है वो हालांकि बीजेपी शासित मुख्यमंत्रियों की बैठक है तो हम नहीं कर सकते लेकिन निश्चित तौर पर लोकसभा चुनाव को लेकर के कल जिस तरह से हमने देखा कि पार्टी के पदाधिकारियों की जो बैठक हुई वहां पर भी जिस तरह से टारगेट दिया गया। जी ठीक, फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया विनीत जानकारी को साझा करने। और चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे महासमुंद के जहां पर ट्रक के टैंक में ब्लास्ट होने का यह मामला सामने आया। बीएसपीसीएल कंपनी के चालक की मौत हुई थी। ड्राइवर महासंगठन ने मुआवजा देने की मांग की है। मांग को लेकर घेराव भी किया है। 41 लाख मुआवजा देने का इनके द्वारा मांग की जा रही है और मांग पूरी ना होने पर हड़ताल की चेतावनी भी दी गई है। बीएसपीसीएल कंपनी में 2 नवंबर को वेल्डिंग के दौरान टैंक में ब्लास्ट हुआ था, बड़ा हादसा हुआ था और अब जो है मुआवजे की मांग की जा रही है। महासमुंद की हम इस वक्त बात कर रहे हैं जहां पर ट्रक के टैंक में ब्लास्ट का यह पूरा मामला है और इसी मामले में आपको बता दें कंपनी के एक चालक की मौत हो गई थी और उसके बाद से ही प्रदर्शन की तस्वीरें हम देख रहे हैं और अब जो संगठन है ड्राइवर संगठन है वो मुआवजे की मांग कर रहा है। रायपुर की बात कर लेते हैं जहां 2 दिवसीय दौरे से रायपुर एयरपोर्ट लौटे किरण सिंह देव ने कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ एक बैठक आयोजित की गई थी जिसमें आगामी चुनाव को लेकर रणनीतियां तैयार की गई हैं। साथ ही संगठनात्मक रूप से आगामी कार्यक्रम को लेकर रणनीतियां बनाई गई हैं। सुनिए किरण सिंह देव ने आखिर क्या कुछ कहा है। दिल्ली में राष्ट्रीय पदाधिकारी बैठक और राष्ट्रीय पदाधिकारी वरिष्ठ नेताओं के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जगत प्रकाश नड्डा जी सभी के साथ एक बैठक, 2 दिन की ये बैठक थी राष्ट्रीय पदाधिकारियों की और संगठनात्मक विषयों पर आगामी कार्य योजना पर और विस्तृत बातचीत सभी से वृत्तांत प्रांतव्यापी इस विषय पर 2 दिन की। छत्तीसगढ़ सीएम विष्णु देव साय दिल्ली दौरे से आज वापस रायपुर लौटेंगे। वो सुबह लगभग 12 बजे दिल्ली से रायपुर के लिए रवाना होंगे और लगभग 1:45 के करीब रायपुर पहुंच जाएंगे। दिल्ली दौरे के दौरान उन्होंने पीएम मोदी के अलावा कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की और इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ दोनों उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा भी मौजूद रहे।
पीएम मोदी से छत्तीसगढ़ के विकास, जनहित के मुद्दे और नए मंत्रिमंडल पर चर्चा हुई है। सीएम विष्णुदेव ने गृहमंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से भी मुलाकात की। चार तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर पीएम से मिले सीएम साय और साथ ही साथ दो डेप्यूटी सीएम। दूसरी तस्वीर गृहमंत्री अमित शाह से मिलने की तस्वीर। तीसरी तस्वीर वित्त मंत्री से मिले हैं विष्णुदेव साय, निर्मला सीतारमण से मिले और साथ ही साथ दो डेप्यूटी सीएम भी मौजूद रहे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात विष्णुदेव साय की और डेप्यूटी सीएम भी इस दौरान मौजूद रहे। चार तस्वीरें आपके सामने। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पीएम मोदी समेत केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात के बाद अब कई सारी बातें जो है उनके द्वारा कही गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी उन्होंने सौजन्य मुलाकात की। इस दौरान उनके साथ उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा भी मौजूद रहे। तो राष्ट्रपति से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की मुलाकात बेहद खास, सौजन्य भेंट से कहा जा सकता है। विष्णुदेव साय के साथ दो डेप्यूटी सीएम भी मौजूद रहे। बेहद खास ये मुलाकात। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस के केंद्रीय कमान के में कई राज्यों के प्रभारियों को बदल दिया गया। पार्टी ने कुमारी शैलजा की छत्तीसगढ़ से छुट्टी कर दी। कुमारी शैलजा को उत्तराखंड का प्रभार दे दिया और उनकी जगह सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ का प्रभारी नियुक्त किया गया। बड़े बदलाव कांग्रेस संगठन में देखने को मिल रहे हैं। अलग अलग राज्यों के जो है प्रभारी बदले गए हैं। अब जो है छत्तीसगढ़ से कुमारी शैलजा की छुट्टी कर दी गई है। सचिन पायलट को प्रभारी बनाया गया है। नई जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है, कमान सौंपी गई है और एक्टिव नेता है। अलग देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में कितना ये जो है सक्रियता, एक्टिवनेस जो है दिखाते हैं और कितना प्रभाव जो है आने वाले समय में जनता पर डाल सकते हैं। कोरबा विधानसभा क्षेत्र के विधायक लखनलाल देवांगन को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। मंत्री पद संभालने के बाद लखनलाल देवांगन पहली बार कोरबा प्रवास पर पहुंचे। लखनलाल देवांगन का जगह जगह समर्थकों ने ढोल नगाड़ा और आतिशबाजी कर भव्य स्वागत किया। कोरबा की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं जहां पर किस तरह से स्वागत जो है किया गया है। मंत्री लखनलाल प्रवास पर कोरबा पहुंचे और उसी दौरान जो है समर्थक बहुत ही ज्यादा उत्साहित नजर आए, फूल माला उन्हें पहनाते हुए नजर आए, उनका स्वागत करते हुए नजर आए। ये तस्वीरें आप कोरबा के इस वक्त आप देख रहे हैं। मंत्री के आगमन पर जमकर आतिशबाजी भी हुई। और अब बात बलरामपुर की, जहां पर धान समिति में किसानों से वसूली खुलेआम चल रखी है। खुलेआम पैसा वसूला जा रहा है। वसूलने का वीडियो भी वायरल हुआ। युवक किसानों से पैसे की डिमांड कर रहा है। अधिकारियों की निगरानी के बावजूद ये वसूली चल रही है। धान खरीदी केंद्र बगरा का ये वीडियो बताया जा रहा है। हालांकि वायरल वीडियो की न्यूज 18 पुष्टि नहीं करता। ये तस्वीरें आपके सामने जहां पर खुलेआम वसूली चल रही है। धान खरीदी केंद्र पर किसान इससे कहीं ना कहीं परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। बगरा धान केंद्र बगरा का ये मामला है। ये वीडियो सामने आया है जहां पर युवक द्वारा पैसों की मांग की जा रही है। पैसा वसूला उसके द्वारा जा रहा है। पेंड्रा में रिश्तों का कत्ल हुआ है। भाई ने ही भाई की हत्या कर दी। जमीनी विवाद में वारदात को अंजाम दे दिया। कुल्हाड़ी से वार कर हत्या को अंजाम दिया गया। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मरवाई थाना इलाके के कटरा गांव का यह पूरा मामला इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। भाई ने ही भाई की हत्या कर दी। दरअसल ये पूरा मामला जमीनी विवाद का है और जमीनी विवाद में भाई ने भाई की हत्या कर दी। मौत के घाट भाई को उतार दिया। फिलहाल जो है इस पूरे ही मामले में जांच पड़ताल चल रही है। गिरफ्तारी हो चुकी है भाई की।
आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है और अब आगे की कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है। कुल्हाड़ी से वार करना बताया जा रहा है। कुल्हाड़ी से भाई के ऊपर हमला किया भाई ने और मौत के घाट उतार दिया। मरवाही थाना इलाके के कटरा गांव की ये घटना इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। कोरबा में नए साल में ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। कोचुवेली यशवंतपुर एक्सप्रेस रद्द की गई है। कोरबा कोचुवेली एक्सप्रेस 3 जनवरी को रद्द रहेगी। दरअसल कोचुवेली कोरबा एक्सप्रेस 1 जनवरी को रद्द, तो वहीं यशवंतपुर कोरबा एक्सप्रेस 9 और 14 जनवरी को रद्द की गई है। कोरबा यशवंतपुर एक्सप्रेस 11 और 14 जनवरी को रद्द की गई है। तो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर यात्रियों पर इसका असर पड़ेगा, जिन्होंने बुकिंग पहले से करा रखी है या बाहर जाने का प्लान बनाया हुआ है, कहीं ना कहीं वो रद्द होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि यात्रियों को काफी परेशानियां हो सकती है। अलग अलग तारीख पे जो है ट्रेनों के रद्द होने की सूचना अब सामने आई है। नए साल में कई सारे दिन ऐसे रहेंगे जिस पर ट्रेन रद्द रहेगी और यात्रियों को साफ तौर से परेशानी से जूझना पड़ेगा। नए साल में ट्रेनें रद्द की गई है। 3 तारीख से इसकी शुरुआत है। कोचुवेली यशवंतपुर एक्सप्रेस की हम बात कर रहे हैं जिसे रद्द किया गया है। 3 जनवरी को शुरुआत है। कोरबा के लिए बंद रहेगी। 1 जनवरी को कोचुवेली कोरबा ट्रेन रद्द रहेगी। 9-14 जनवरी को यशवंतपुर कोरबा रद्द रहेगी। तो वहीं 11 और 14 जनवरी को कोरबा यशवंतपुर रद्द की गई है। मौसम के मिजाज की बात कर लेते हैं, जहां पर अब कोंडा गांव में अलग ही मौसम दिख रहा है। जिले में पश्चिमी विक्षोभ का असर साफ तौर से पड़ रहा है। कोहरे से इलाका ढका हुआ है। नेशनल हाईवे पर विजिबिलिटी कम हो चुकी है। न्यूनतम तापमान 10 डिग्री पर पहुंच चुका है। यातायात में परेशानी हो रही है। ये तस्वीर के जरिए भी आप समझ सकते हैं कि विजिबिलिटी ना के बराबर हो चुकी है और कहीं ना कहीं जो गाड़ी चालक हैं, बाहर जाने वाले लोग हैं, उन्हें भी परेशानी हो ही रही होगी। साथ ही साथ कोंडा गांव वासी जो हैं वो ठंड के कहर से परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। कोंडा गांव में मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल चुका है। धुंध लगी हुई है सभी तरफ से और अगर सावधानी ना बरता जाए तो एक्सीडेंट का खतरा हो सकता है। पिछले और सालों में और इस बार में कितना ठंड ज्यादा दिख रहा है? नहीं, ठंड मुझे ऐसा लगता है कि ठंड बढ़ा है, काफी ठंड बढ़ा है और बढ़ा है ठंड। इलाके में घने कोहरे छाए हुए हैं, लगातार ठंड बढ़ती जा रही है। इस समय हम नेशनल हाईवे 30 पर खड़े हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से नजारा है। विजिबिलिटी काफी कम हो चुकी है। वाहन इस रोड में चल रहे हैं, उन्हें लाइट जलाकर चलनी पड़ रही है। पर हालात ये है कि जो गाड़ियों की लाइट है वो टिमटिमाते दिए के तरीके से दिख रही है और जिस तरीके से कोहरा छाया हुआ है, ये इससे लगातार क्षेत्र में ठंड बढ़ती जा रही है और कड़कड़ाती ठंड ने लोगों को घर से निकलना मुश्किल कर दिया है। न्यूज 18 के लिए कोंडा गांव से विवेक श्रीवास्तव। वहीं बलौदाबाजार में भी मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदला नजर आ रहा है। जिले में सर्दी का कहर पड़ रहा है और 12 डिग्री तक तापमान पहुंच चुका है। मौसम ने अपना पूरा रुख बदल लिया है। विजिबिलिटी कम हो चुकी है, कोहरा छाया हुआ है, मुख्य मार्ग पर कोहरा छाया हुआ है और आने जाने में भी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार पारा गिर रहा है, ठंड बढ़ रही है। अलग अलग जिलों की हम बात कर रहे हैं। इस वक्त बलौदाबाजार की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर भी पारा लगातार गिर रहा है, विजिबिलिटी ना के बराबर होती हुई नजर आ रही है और कोहरा छाया हुआ है। नजारा देखिए और आप कहेंगे नजारे को देखने के बाद कि अब समय बलौदा बाजार नहीं बल्कि और कहीं होंगे, लेकिन देख सकते हैं कि ये बलौदा बाजार है। किस तरह से जो ठंड के बाद जो शीतलहर चलती है और शीत में किस तरह से बलौदा बाजार जिला पूरी तरह से ढका हुआ है। मुख्य मार्ग पर हम खड़े हुए हैं। लोग आवागमन कर रहे हैं कि किस तरह से आज का जो पारा है
वो काफी गिरा हुआ है बलौदा बाजार में, क्योंकि 12 अंश सेल्सियस तक इसका तापमान जा चुका है। कल की बात करें तो कल 15 था और आज 12 हो गया है। वहीं आपको बताया कि वनांचल क्षेत्र जो होते हैं उसमें इनका पारा और बहुत कम हो जाता है, तो कहीं ना कहीं ठंड का भी असर और शीतलहर का भी असर बलौदा बाजार में देखने को मिल रहा है कि किस तरह से जो धुएं की चादर है बलौदा बाजार को ढकी हुई है और कितने समय यह मौसम साफ होगा, क्योंकि अभी 7 बजने वाले और 7 बजने के बाद भी नजारा इसी तरह से बना हुआ है। और देख सकते हैं मुख्य मार्ग में भी एक पूरी तरह से धुंधली छाई हुई है, जिसके चलते लोगों को आवागमन में भी काफी दिक्कत हुई है। लिहाजा अब देखना होगा कि बलौदा बाजार किस तरह से कश्मीर में जिस तरह से जो माहौल होता है या मैनपाट में जो माहौल होता है उस तरह से बलौदा बाजार अभी बन चुका है। योगेश यादव, News18 बलौदा बाजार। रायपुर में भी घना कोहरा छाया हुआ है। प्रदेश के कई सारे जिलों में ऐसी स्थिति है जहां पर धुंध दिख रही है। जशपुर, अंबिकापुर, पेंड्रा में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। सरगुजा में भी ठंड ने लोगों की कहीं ना कहीं परेशानी बढ़ा दी है। कोहरे से विजिबिलिटी कम हो चुकी है। हवाई सेवाओं पर भी इसका असर पड़ सकता है। शिवपुरी में घने कोहरे की वजह से हादसा देखने को मिला। दंपत्ति को ट्रक ने रौंदा है। हादसे में पति पत्नी की मौत हो गई। ये हादसा बेहद ही दर्दनाक हादसा हुआ है, जहां पर कोहरे की वजह से ये बड़ा हादसा हो गया। पति पत्नी की मौत हो गई, यहां पर दर्दनाक मौत हुई है। शिवपुरी में घने कोहरे के कारण ये बड़ा हादसा होना बताया जा रहा है। ट्रक ने रौंदा है पति पत्नी को। हादसे में पति पत्नी की मौत हो गई। घने कोहरे की वजह से ये हादसा होना बताया जा रहा है। विजिबिलिटी ना के बराबर हर जगह पर हो रही है। लगातार ठंड बढ़ रही है, कोहरा बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं इसी बीच हादसे की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। और आइए अब देखेंगे खबरों का 2020।